नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ऑनलाइन एक टेस्ट की जो शुरुआत है वो करने वाले हैं। ये टेस्ट उनके लिए फायदेमंद होगा जो RAS फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और SI की तैयारी है वो कर रहे हैं, या RPSC से संबंधित जितनी भी परीक्षाओं की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए। मैं इस वीडियो के अंदर 100 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश करने वाला हूँ जो लगभग हर परीक्षा में आते हैं, और इस साल भी इन परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे अन अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं एक एजुकेटर के रूप में काम कर रहा हूँ। वहाँ पर भी मैं RPSC और UPSC से संबंधित जितनी भी एग्ज़ाम्स है उनसे रिलेटेड जो मटेरियल है एग्ज़ाम से रिलेटेड वो डालता रहता हूँ। इसके लिए आपको जो अन अकेडमी है उसकी लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड करनी होगी। उसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप अन अकेडमी की जो लर्निंग ऐप है वो डाउनलोड कर सके हैं, और मेरे जितने भी वीडियो है आप अन अकेडमी पर है वो देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो हुई थी बोधगया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? आसाम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब के। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुए, कहाँ हुआ था? तो हुआ था 1919 के अंदर पंजाब में, अमृतसर में। अगला सवाल है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। वास्को डिगामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? वैसाखी। लोहे पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य या कौटिल्य ने। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल।
और भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? राटजन ने। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तांबा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई, वर्तमान मुंबई से थाने तक। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। 1984 में भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिग्वेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के ए स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिणी सूडान। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जिनेरियो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। धन्यवाद।